Vikas Kumar. Welcome to Marine E-Tutor Marine Engineering Lectures. This is our 9th lectures on marine pumps. In this lectures, we will going to discuss about one of the mostly asked question, that is mechanical seal. Last lectures में हम लोगों ने बात किया था what are the different characteristics curves of central pump. जहां पर हम लोगों ने बात किया था graph of H versus Q, that is pressure set versus flow rate, that is efficiency versus flow rate, or Brayton's power versus flow rates and net positive suction head required versus flow head, and हम लोगों ने family curves के बारे में बात किया था. Okay, so in this lecture we will going to discuss about one of the most important topic which is mostly always and frequently asked by any interviewer or any marine surveyor, and our topic is mechanical seal. This topic is only not important for interview. इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए ऑनबोर्ड शिप्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोर्ट अगर आप ऑनबोर्ड शिप्स में एज ए फोर्थ इंजीनियर हो, ओके, एज ए जूनियर इंजीनियर हो, तो आप क्या करते हो, ओवरहॉलिंग ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप्स आपकी वर्क होती है. ओके, सो ओवरहॉलिंग ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप या डिफरेंट डिफरेंट ट्रबल शूटिंग ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप्स आपकी वर्क होती है, जहां पर मैकेनिकल सील्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट which is used in centrifugal pump. तो हम बात करेंगे mechanical seals क्या होती है, okay? कैसे works करती है mechanical seals? Mechanical seals की part क्या होती है? What are the means rotary seal? What are that stationary seals? What is that secondary seal? Okay, ये सारी चीजों पे मैं इस lectures में discuss करूँगा. Okay, तो ये lectures आपके लिए बहुत ही informative होने वाली है. Please इस lectures को देखिए and नीचे comment करें कि आपके लिए कितनी informative रहे. Okay. So, आज की हमारी टॉपिक है मैकेनिकल सील. ओके, मैं स्टार्टिंग से ही बोलता रहा हूं, मेरी लेक्चर्स जो लेक्चर्स होती है थोड़ी लॉन्ग होती है, बट अगर आप मेरी लेक्चर्स देखते हो, ओके, तो आपको एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा. ओके, आपको चीजें समझ में आने लगेगी एंड आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे. इसलिए मेरी लेक्चर्स थोड़ी लंबी होती है, बट यहां पर काफी आपको इंफॉर्मेटिव चीजें सीखने को मिलती है. ओके, सो डोंट वरी, लेक्चर्स अगर लॉन्ग होती है फिर भी आप दो बार में पूरे करो, मैं तो बोलूंगा वन टाइम में ही आप फिनिश करो. ओके, सो आवर टॉपिक इज मैकेनिकल सील. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैकेनिकल सील? मैकेनिकल सील क्या होती है? ओके, एक्चुअली मैकेनिकल सील प्रिवेंट्स लीकेज. ओके, लीकेज इन सेंट्रिफ्यूगल पंप. अब सेंट्रिफ्यूगल पंप हमारी क्या होती है, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग फ्लूड है, ओके, लेट इट बी वाटर, ओके, तो एग्जिस्टिंग फ्लूड है तो हमारी क्या होती है, मैंने आपको सारी वर्किंग प्रिंसिपल्स बता दिया. अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखा तो आप प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट में सारी लेक्चर्स अवेलेबल है. तो मैंने आपको सेंट्रिफ्यूगल पंप की वर्किंग प्रिंसिपल्स में बताया था कैसे हमारी जो भी एग्जिस्टिंग लिक्विड होती है, लेट इट बी वाटर, ओके, कैसे हमारी वाटर सक्ट होती है आई ऑफ इंपेलर, आई ऑफ इंपेलर, ओके, फिर कैसे हमारी इंपेलर्स कैसे हमारी एनर्जी ऐड करती है वाटर को, एंड फर्दर हमारी दैट वेलोसिटी एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केसिंग्स होती है. ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस वाइडली यूज्ड केसिंग दैट इज वॉल्यूट केसिंग. ओके, तो कैसे हमारी वॉल्यूट केसिंग में प्रेशराइज्ड वाटर जो होती है, मींस दैट वेलोसिटी एनर्जी ऑफ दैट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी ऑफ दैट वाटर, ओके, और सम हेड इज जनरेटेड. ओके, तो वहां पर हमारी क्या होती है, जो भी हमारी प्रेशराइज एग्जिस्टिंग लिक्विड होती है वहां पर हमारी क्या होती है, वहां चांसेस होती है लीकेज होने की. लीकेज कैसे हमारी चांसेस हो सकती है, वायर थ्रू द शाफ्ट, क्यों? क्योंकि हमारी इंपेलर क्या होगा, एक्चुअली माउंट होती है हमारी शाफ्ट पर माउंट होती है. ओके, तो हमारी जो इंपेलर अगर हमारी वाटर केसिंग्स पे जा रही है तो केसिंग से हमारी लीकेज हो सकती है, और वो लीकेज हमारी वो शाफ्ट के थ्रू हमारी आ सकती है, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन होती है, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा. ओके, तो एक्चुअली व्हाट इज द नीड मींस व्हाट इज मैकेनिकल सील टू प्रिवेंट द एग्जिस्टिंग फ्लूड और लीकेज इन सेंट्रिफ्यूगल पंप. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वी नीड मैकेनिकल सील्स. ओके, मैं अगर बात करूं ये क्या करती है, सीलिंग करती है, प्रिवेंट करती है लीकेजेस को. बट अगर हमारी बात करें लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, हम लोग ग्लैंड पैकिंग भी यूज कर सकते हैं, और यू कैन से पैकिंग सील्स. ओके, पैकिंग सील्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं. नो, यस, पैकिंग सील्स भी हम यूज कर सकते हैं. व्हाई ओनली मैकेनिकल सील्स? ओके, अगर हम बात करें पैकिंग सील्स और मैकेनिकल सील्स की बात करें, तो जो हमारी मैकेनिकल सील होती है वो हमारी ड्यूरेबल होती है. मैं बोल सकता हूं ये ड्यूरेबल होती है एज कंपेयर टू पैकिंग सील्स. सपोज
सपोज अगर मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोगों ने मैकेनिकल सील इंस्टॉल नहीं किया है, हम लोगों ने पैकिंग सील इंस्टॉल किया है, तो यहां पर हमारी प्रॉब्लम्स क्या आती है? फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये क्या होती है, इसकी ड्यूरेबल जो होती है वो हमारी कम होती है एज कंपेयर टू मैकेनिकल सील। ओके, पैकिंग सील्स में एक प्रॉब्लम क्या होती है, वन ऑफ द डिसएडवांटेज इसकी क्या है, इन पैकिंग सील्स में हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली हमें पैकिंग सील्स चेंज करनी होती है। ओके, तो अगर हम पैकिंग सील्स चेंज करेंगे तो हमारी क्या करनी पड़ेगी, पंप को ओवरऑल करनी पड़ेगी, मीन्स कुछ डीअसेंबलिंग करनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, इंपेलर्स एंड जो भी हमारी सक्शन फ्लैंज कवर, इंड कवर, वो सारी हमें क्या करनी पड़ेगी, डिसेंबल करनी पड़ेगी, देन ओनली हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग सील्स हम रिमूव कर सकते हैं, हम न्यू पैकिंग सील्स वहां पर माउंट करेंगे। ओके, तो हमारे क्या है, फ्रीक्वेंटली हमें चेंज करनी होती है, तो हम फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, मींस व्हाट, फ्रीक्वेंटली हमारी असेंबल डिसेंबल पंप हो रही है, तो इससे हमारी क्या हो सकती है, वियर एंड टियर ऑफ पंप इटसेल्फ, हमारी पंप इटसेल्फ वियर एंड टियर हमारी हो सकती है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंट हमारी क्या हो रही है, असेंबल डिसेंबल हो रही है। तो एक तो रीजन हमारी ये सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि पैकिंग सील्स होती है हमारी ड्यूरेबल कम होती है एज कंपेयर टू मैकेनिकल सील। सेकेंड थिंग की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट। यस, आई एम एग्री, ऑल्दो मैकेनिकल सील इज कॉस्टलियर देन पैकिंग सील्स, ओके, ऑल्दो मैकेनिकल सील इज कॉस्टलियर देन पैकिंग सील्स, बट हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैंने बात की ऑपरेटिंग कॉस्ट की, मैंने बात की, यहां पर हमारी क्या होती है, सब आप क्या करोगे, पैकिंग सील्स हमारी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंटली हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, बट हमारी जो मैकेनिकल सील्स होती है वो हमारी ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल है। ओके, तो हम लोगों ने एक बार इंस्टॉल किया तो हमारी रनिंग आवर्स अच्छी खासी इसकी होती है। ओके, 20,000 रनिंग आवर्स, 25,000 रनिंग आवर्स, ओके, इसकी होती है मैकेनिकल सील्स की, बट हमारी पैकिंग सील्स हमारी फ्रीक्वेंटली हमें क्या करने रहता है, चेंजेस करनी होती है, तो इससे हमारी क्या हो सकती है, इससे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, सो एंड अगर हम बात करें लॉज पे, ओके, डिफरेंट लॉज, फर्स्ट लॉज दैट इज इन्वायरमेंटल लॉज, ओके, इन्वायरमेंटल लॉज ऑल्सो फेवर इन द फेवर ऑफ मैकेनिकल सील, ओके, एज पर इन्वायरमेंटल लॉज दैट इज ऑल्सो फेवर टुवर्ड्स मैकेनिकल सील। सेकेंड अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट, ओके, लेबर कॉस्ट नीड टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट ऑल्सो फेवर टुवर्ड्स मैकेनिकल सील, एंड अगर हम बात करें कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स दैट इज ऑल्सो फेवर्स टुवर्ड्स मैकेनिकल सील। तो जो अगर हम बात करें यूनिवर्स लो जो है, ओके, वो हमारी मैकेनिकल सील्स को फेवर करती है। ओके, मैं आपको सारी चीजें बताया, इन्वायरमेंटल लो नीड टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, एंड थर्ड वन इज व्हाट, एफिशिएंसी, ओके, इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है मैकेनिकल सील्स की। ओके, तो ये सारी चीजें, इसलिए हम लोग मैकेनिकल सील्स इंट्रोड्यूस हुई इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग सील्स, अब हमारी पैकिंग सील्स बहुत ही कम यूज होती है, मैकेनिकल सील्स हमारी ज्यादा यूज होती है ना, इतनी आपको क्लियर है। ओके, ना अब हम बात करते हैं मैकेनिकल सील्स की, और मैं यहाँ पर मैकेनिकल सील्स की डायग्राम वगैरह बताऊंगा। ओके, एंड यस, अगर इसकी यूज बताऊं मैकेनिकल सील्स की, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में तो यूज होती है, ऑनबोर्ड सील्स में तो आप देखोगे ही, बट मैं आपको अगर जनरल एग्जांपल्स दूं आपकी डेली लाइफ की, तो अगर आपके पास कार है, ओके, आपके पास कार है तो कार में क्या होती है, पंप्स होती है, ओके, सच एज रेडिएटर पंप्स, विंडशील्ड पंप, ओके, स्टीयरिंग गियर पंप, फ्यूल पंप, ओके, ये सारी पंप्स होती है, तो वहां पंप में भी मैकेनिकल सील्स होती है। ओके, तो कार में हमारी होती है। अच्छा, उससे भी मैं क्लोज आपको मैकेनिकल सील्स की एप्लीकेशंस बताता हूं, आपके घर की किचन की मैं बात करता हूं। ओके, आपके घर में किचन में जो आपकी रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स में भी हमारी मैकेनिकल सील्स होती है। ओके, तो ये हमारी मैकेनिकल सील्स की एप्लीकेशन है। ओके, ऑनबोर्ड सील्स में तो डिफरेंट जितने पंप्स होते हैं व्हिच इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सारे मैकेनिकल सील्स को होंगे, नो डाउट। ओके, तो ये हमारी मैकेनिकल सील। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शनल डिटेल का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा, मैं एक मीन्स डायग्राम बनाता हूं। ओके, ये हमारी केसिंग है, सपोज ये जो आप देख रहे हो ये मेरी केसिंग है, मैंने ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। ओके, ये हमारी क्या है, बेस प्लेट है, जो हमारी पंप, जो फाउंडेशन प्लेट और बेस प्लेट होती है, ओके, पंप्स की, सेंट्रल पंप्स की, एंड ये हमारी केसिंग है, एंड ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। ओके, ये हमारी सॉफ्ट है, यहाँ पर मैं आपको अरेंजमेंट दिखाऊंगा मैकेनिकल सील्स वगैरह और भी उसके कंपोनेंट्स के साथ। ओके, ये हमारी क्या है, सॉफ्ट, दिस वन इज सॉफ्ट।
ओके, ये हमारी शाफ्ट है, ओके ये हमारी शाफ्ट है, दैट शाफ्ट जो होती है किससे कनेक्ट होती है, बोर ऑफ इंपेलर, ओके तो ये हमारी इंपेलर है, ओके मैं इसे ऐसे व्यू में दिखाता हूं, ओके ये हमारी इंपेलर, गॉट इट, एंड नाउ ये हमारी क्या है, ओके एंड दिस वन क्या है, हमारी सक्शन, ये हमारी सक्शन साइड है, एंड ये हमारी क्या है, डिस्चार्ज साइड, ओके ये हमारी क्या है, डिस्चार्ज साइड, गॉट इट। नाउ अब हम यहां पर बात करेंगे, अब यहां पर हमारी बियरिंग्स होती है, बियरिंग्स की अलग लेक्चर आएगी, ओके क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बियरिंग की अलग लेक्चर दूंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो यहां पर हमारी क्या होती है, बियरिंग्स वगैरह अरेंजमेंट होती है, आप देख सकते हो ये हमारी बियरिंग्स होती है, इसकी अलग से लेक्चर आएगी, डोंट वरी, ओके वहां पर मैं आपको बताऊंगा। वैसे शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें बियरिंग्स की यूज होती है, किस टाइप की बियरिंग्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग्स यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ओके इसकी ब्रीफ वर्किंग प्रिंसिपल सारी चीजें मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, ओके ये हमारी बियरिंग्स होती है। अब हम बात आते हैं मैकेनिकल सील्स पर, ओके तो मैकेनिकल सील्स में हमारी कंपोनेंट्स होती है, फर्स्ट कंपोनेंट्स हमारी जो होती है, ओके स्टेशनरी, स्टेशनरी रिंग, ओके स्टेशनरी रिंग, तो स्टेशनरी रिंग जो होती है हमारी, आप देख सकते हो मैं आपको स्टेशनरी रिंग बताता हूं, यहां पर अटैच करता हूं, ओके इसकी मैं वाइड व्यू भी बनाऊंगा यहां पर, ओके ये हमारी स्टेशनरी, ओके ओके ये आप जो देख रहे हो ऐसे जो मैं बनाया हूं, ये हमारी स्टेशनरी सील्स होती है, ओके ये हमारी स्टेशनरी होती है, इसलिए मैं इसे स्टेशनरी सील कहूंगा, ये हमारी स्टेशनरी सील होती है, ओके एंड ये पार्ट आप जो देख रहे हो, ये पार्ट, ओके ये पार्ट आप जो देख रहे हो नीचे, जो हमारी स्टफिंग बॉक्स से कनेक्टेड है, ये पार्ट, ओके ये पार्ट हमारी होती है ओरिंग, ओके ये हमारी होती है ओरिंग, दिस वन, ये पार्ट जो आई होप आपको क्लियर होगी, ये पार्ट हमारी ओरिंग होती है एंड ये हमारी जो है स्टफिंग बॉक्स होती है, ओके ये हमारी होती है स्टफिंग बॉक्स, ओके ये हमारी होती है स्टफिंग बॉक्स एंड ये हमारी होती है स्टेशनरी सील होती है, ओके इतना आपको क्लियर है। एंड ये जो हमारी होती है ये पार्ट ये हमारी ओरिंग होती है, इतना आपको क्लियर है। नाउ अब हमारी क्या होती है, इसकी एक फेस होती है, स्टेशनरी सील की फेस होती है, आप देख सकते हो मैं रेड कलर से जो शो कर रहा हूं, ये हमारी फेस होती है, ओके ये हमारी इसकी फेस होती है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ओके मैं पहले से डायग्राम नहीं बनाकर रखा था, आई नो अगर डायग्राम बनाता हूं तो वीडियो शॉर्ट हो सकती थी, बट मैं आपको हर सारी चीजें कंपोनेंट समझाकर डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि इजी डायग्राम है, ओके तो ये हमारी क्या है, फेस है, मैं जो रेड कलर से शो किया हूं ये हमारी क्या है, फेस है, ओके नाउ सेकंड थिंग, ये हमारी क्या होगी, ये पूरी टोटल हमारी क्या होगी, स्टेशनरी सील, ओके नाउ सेकंड थिंग, अब हमारी आएगी रोटरी सील, ओके अब हम बात करेंगे रोटरी सील, सेम अब हमारी रोटरी सील में भी हमारी क्या होती है, फेस होती है, ओके तो यहां पर भी हमारी फेस होगी, रेड कलर से मैं शो करूंगा, है ना ये हमारी अगेन फेस होगी, ओके ये हमारी फेस होगी, गॉट इट, ओके एंड ये हमारी ग्रव स्क्रू होती है, मैं आपको बताता हूं, ओके ये हमारी ग्रव स्क्रू होती है एंड ये अगेन ये जो आप देख रहे हो ये अगेन हमारी ओरिंग होती है, ओके गॉट इट एंड ये हमारी जो है स्प्रिंग होती है यहां पर,
ओके एंड अगेन यहां पर हमारी ओरिंग प्रेजेंट होती है, ये जो आप देख रहे हो अगेन यहां पर हमारी ओरिंग प्रेजेंट होती है, सारी चीज आपको बताऊंगा, इतना आपको क्लियर है। अब हम बात आते हैं डायग्राम पे, ये हमारी केसिंग है, आप देख रहे हो ये हमारी केसिंग है, ओके ये पार्ट हमारी इंपेलर है, यहां हमारी सक्शन हो रही है, ये हमारी डिस्चार्ज साइड है, ओके एंड ये हमारी शाफ्ट है। अब हमारी शाफ्ट पे माउंटेड हमारी बियरिंग है, ओके एंड ये जो हमारी पार्ट है, ओके ये जो हमारी पार्ट है ये हमारी रोटरी सील है, और बोल सकते हैं रोटेटिंग सील है, ओके एंड ये जो हमारी है स्टेशनरी सील है, और ये हमारी स्टबिंग बॉक्स है, ओके नाउ और ये हमारी जो टोटल है ना कंसिस्ट ऑफ ओरिंग प्लस हमारी स्टेशनरी सील, रोटेटरी सील एंड हमारी ग्रब स्क्रू, ओके एंड स्प्रिंग, ये सारी चीजें मिलाकर हमारी मैकेनिकल सील होती है। गॉट इट? नाउ अब हम बात करेंगे, सपोज मैंने क्या आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में क्या बोला था, जो भी हमारी फ्लूड एग्जिस्टिंग फ्लूड है वो हमारी क्या हो रही है प्रेशराइज्ड फ्लूड है, वो हमारी क्या चांसेस होती है लीकेजेस होने की, ओके तो उससे हमारी मैकेनिकल सील प्रिवेंट करती है। तो आप देख सकते हो लीकेज कहां कहां हो सकती है, सपोज हमारी केसिंग्स में हमारी प्रेशराइज्ड हमारी एग्जिस्टिंग फ्लूड है, लेट इट बी वाटर, ओके हमारी वाटर एग्जिस्टिंग फ्लूड है यहां पर, अब वो हमारी लीकेज हो सकती है, लीकेज कहां कहां हो सकती है मैं वो आपको बताऊंगा। फर्स्ट सपोज ओके यहां पर हमारी ये केसिंग है, ओके सो केसिंग है तो लीकेजेस हमारी फर्स्ट जो हो सकती है हमारी यहां से हो सकती है, ओके यहां से हमारी लीकेज हो सकती है, तो उसके लिए हमारी स्टेशनरी सील के साथ जो हमारी अटैच्ड है ओरिंग, यहां पर हमारी ओरिंग अटैच्ड है तो इसे क्या करेगी ओरिंग जो है इसे सील करेगी, प्रिवेंट करेगी, है ना, इसकी क्या करेगी पाथ को हिंड्रेंस में नहीं बोल रहा हूं प्रिवेंट करेगी, है ना, इसकी पाथ को प्रिवेंट करेगी, ये हमारी लीकेज को वहां प्रिवेंट करेगी, क्यों, क्योंकि हमारी यहां पर ओरिंग है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड ये कहां से और लीक कर सकती है, ओके वाया शाफ्ट, शाफ्ट के थ्रू हमारी लीकेज हो सकती है, मींस हमारी लीकेज कैसे हो सकती है हमारी केसिंग है, ओके एंड ये हमारी शाफ्ट के थ्रू हमारी लीकेज हो सकती है, ओके शाफ्ट के थ्रू हमारी लीकेज हो सकती है, तो आप देख सकते हो शाफ्ट के थ्रू अगर हमारी लीकेज होगी तो ये जो ये हमारी फर्स्ट रेड एंड सेकेंड रेड, ओके ये हमारी क्या होगी, ये हमारी ऐसे ट्रेवल करेगी शाफ्ट के थ्रू, नाउ अब इस पोजिशन पे आएगी तो ये हमारी क्या है कहां पर किस पोजिशन पे मीन्स कहां ये हमारी जा रही है, ये हमारी दोनों फेस के बीच आ रही है, मीन्स हमारी रोटरी सील एंड हमारी स्टेशनरी सील, ओके इस केस में हमारी दिस वन स्टेशनरी सील, हमारी रोटरी सील, अब हमारी स्टेशनरी सील फेस एंड रोटरी सील फेस इसको क्या करेगी प्रिवेंट करेगी इस लीकेज को, ओके इस लीकेज को ये प्रिवेंट करेगी, तो शाफ्ट के थ्रू अगर हमारी लीकेज होगी तो हमारी स्टेशनरी फेस और रोटरी फेस हमारी बहुत ही क्लोजली हमारी दोनों टाइट होती है, ओके बहुत ज्यादा नहीं होती हो, मैं आपको बताऊंगा, तो यहां पर ये क्या करेगी आपको सील करेगी, ओके तो हमारी लीकेज यहां पर प्रिवेंट होगी, फर्स्ट सेकेंड थिंग। नाउ थर्ड थिंग टू रिड्यूस मीन्स रिस्क, मीन्स फर्दर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप लोगों ने यहां पर देखा है यहां पर भी होती है, ओके यहां पर होती है, यहां पर हमारी अगेन ओरिंग है, ये हमारी स्टेशनरी के साथ ओरिंग यहां अटैच थी, अभी हमारी रोटेटिंग एलिमेंट रोटेटिंग सील के साथ भी हमारी ओरिंग, ये जो हमारी है ये हमारी ओरिंग है ना ओरिंग, फिर यहां से भी हमारी क्या होगी सील होगी, ओके अगर हमारी फर्दर अगर हमारी जाती है इधर जाती है तो अगेन यहां पर भी हमारी सील होगी, ओके तो ऐसे हमारी जो भी फ्लूड है उसे ये सील करती है, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड मैकेनिकल सील, ये पूरी फंक्शंस को हम और पूरी कंपोनेंट को हम मैकेनिकल सील करते हैं, इतने आपको क्लियर है ना। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये हमारी मैकेनिकल सील है, अब आप देखो मैंने क्या बोला फर्स्ट लोकेशन हमारी ये हो सकती है, यहां से हमारी लीक हो रही है प्रेशराइज्ड वाटर, तो यहां पर हमारी सील है, कौन प्रिवेंट कर रहा है दैट इज ओरिंग, ओरिंग क्या कर रही है हमारी सील को मींस लीकेज को प्रिवेंट कर रही है, ओके नाउ सेकंड मैंने बताया कि शाफ्ट के थ्रू अगर हमारी जाएगी तो दो हमारी फेसेस हैं, ओके एंड अगर हमारी फर्दर अगर हमारी मींस फर्दर अगर हमारी टू रिड्यूस रिस्क अगेन हमारी क्या है ओरिंग है ना, तो ओरिंग जो है यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल है ओरिंग की, ओरिंग भी यहां पर हमारी क्या कर रही है लीकेज को प्रिवेंट कर रही है, सो इसलिए हमारी ओरिंग जो होती है सेकेंडरी सील होती है,
और इनको हम सेकेंडरी सील कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो कभी कभी इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है ओके विच कंपोनेंट इज सेकेंडरी सील इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो आपको आंसर देना है ओरिंग एंड वाई। तो आपको ये मैंने जो सारी चीजें आपको बताया कि ओरिंग के थ्रू हमारी आप देख सकते हो जो भी हमारी लीकेज है वो हमारी सील हुई है ओके। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। अगर हम बात करें, अब मैं बात करता हूं इसको कैसे हम फिट करेंगे मैकेनिकल सील। सपोज आपको पंप है ओके, पंप में आपको मैकेनिकल सील जो है फिट करनी है या आपको मैकेनिकल सील रिन्यू करनी है। एक्चुअली क्या होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है ऑन बोर्ड शिप्स में ओके। तो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद रनिंग आवर्स के बाद हमें क्या करनी रहती है मैकेनिकल सील चेंज करनी होती है ओके। सो अब सपोज मैकेनिकल सील्स हमें इंस्टॉल करनी है तो हमें कैसे करनी होगी ओके, ये सारी प्रोसेस पे हम बात करते हैं ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी सक्शन साइड है, तो सक्शन साइड में हमारी क्या होती है एक सक्शन फ्लैंज होती है ओके। सक्शन साइड में हमारी क्या होती है सक्शन फ्लैंज होती है ओके। सक्शन फ्लैंज होती है और यहां पर बोल्ट अरेंजमेंट होती है, ये सारी ये हमारी बोल्ट अरेंजमेंट होती है ओके। यस ओके, ये हमारी बोल्ट अरेंजमेंट होती है नोट इट। तो हमारी अब क्या करना है इसे हमें रिमूव करना है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम सक्शन फ्लैंज को रिमूव करेंगे, मींस इंड कवर को हम रिमूव करेंगे ओके। अगर मैं इसकी रियर व्यू आप देखोगे तो सक्शन फ्लैंज को हमें क्या करना है रिमूव करनी है ओके। तो हमें क्या करेंगे ये हमारी रिमूव करेंगे सिक्वेंसली हम रिमूव करेंगे ओके, सिक्वेंसली रिमूव करेंगे फिर बॉटम को रिमूव करेंगे एंड हमें जो इंड जो है ओके जो हमारी इंड बोल्ट जो है उसे हम क्या करेंगे मींस लीव करेंगे उसे छोड़ देंगे ओके। एंड वन जो इंजीनियर्स होंगे या हमारी जो भी हमारी मेंटेनेंस इंजीनियर या वर्कर होंगे वो एक जो होंगे वो क्या करेंगे इसे नीचे से होल्ड करेंगे ताकि वेट उनके मींस वेट वो कैरी करेंगे। अगर डायरेक्टली इसे हम क्या करेंगे ओपन कर देंगे तो वो नीचे गिर सकती है ओके एंड कुछ हजार हो सकता है। तो सेफ्टी फर्स्ट ओके, सेफ्टी फर्स्ट ऑन बोर्ड सी ओके। तो हमें क्या करना है टॉप वाले को ओके, टॉप वालों को हम अल्टरनेट हम क्या कर रहे हैं ये बोल्ट्स नट बोल्ट्स हम अरेंजमेंट रिमूव कर रहे हैं एंड टॉप को हम छोड़ देंगे एंड जो एक वर्कर जो होंगे वो नीचे से वेट कैरी करेंगे फिर हम टॉप को रिमूव करेंगे फिर हमारी जो भी फ्लैंज है और इंड कवर है वो हम क्या करेंगे सेफली पोजीशन जगह पर हम रख देंगे उसे लोकेट कर देंगे ओके। सारी चीजें पता है एंड सेकेंड थिंग पॉइंट ऑफ सेफ्टी बोल सकते हो या जो वर्किंग आवर्स रिड्यूस किया जा सकता है इससे। जो भी हम लोगों ने बोल्ट्स नट्स जो भी हम लोगों ने रिमूव कर रहा है जो भी हम लोग रिमूव करें उसे एक कंटेनर में हमें रखना है, उसे हमें कंटेनर में रखना है और ट्राई कीजिए सिक्वेंसली रखें ओके। इससे हमारी क्या होगी इससे हमारी जो वर्किंग आवर्स है वो हमारी रिड्यूस हो सकती है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिक्वेंसियल हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं गॉट इट। तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए ओके एज ए इंजीनियर, इतनी आपको क्लियर है ना। अब हम लोगों ने इंड कवर रिमूव कर दिया ओके। अब इंड कवर आप लोगों ने रिमूव करेंगे तो अब हमारी यहां पर क्या होती है लोकनट प्रोवाइड होती है यहां पर, है ना, ये हमारी लोकनट होती है यहां पर दैट इज कॉल्ड इंपेलर लोकनट। तो अब हम क्या करेंगे इंपेलर लोकनट रिमूव करेंगे इंपेलर को रिमूव करने के लिए एंड बैक टू द इंपेलर लोकनट वन मोर कंपोनेंट विच इज कॉल्ड वॉशर और स्पेसर विच कैरी द मीन्स विच वो जो हमारी वॉशर और स्पेसर होती है वो हमारी क्या करती है इंपेलर की ओके इंपेलर को होल्ड करके रखती है एट द एंड ऑफ शाफ्ट ओके। इंपेलर को यहां पर होल्ड करके रखती है हमारी वॉशर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया सक्शन फ्लैंज रिमूव किया, सबसे पहले हम लोगों ने सक्शन फ्लैंज रिमूव किया। सक्शन फ्लैंज रिमूव करने के बाद हम लोगों ने इंपेलर लोकनट ओपन किया ओके। आफ्टर बिहाइंड द इंपेलर लोकनट वन मोर कंपोनेंट विच इज कॉल्ड स्पेसर और वॉशर ओके। स्पेसर और वॉशर हमारी क्या करती है जो भी हमारी इंपेलर होती है ओके एंड हमारी जो शाफ्ट होती है उसको होल्ड करके रखती है। ये जो हमारी इंपेलर और शाफ्ट है उसको होल्ड करके कौन रखती है दैट इज कॉल्ड ओनली वॉशर और स्पेसर। तो हम लोग क्या करेंगे वॉशर और स्पेसर को भी रिमूव करेंगे और सिक्वेंसली जो मैंने कंटेनर वाली बात बताई है सिक्वेंसली आपको जो भी आप लोगों ने मीन्स रिमूव करने सिक्वेंसली उसको आप उसको पोजिशन देते जाइए लोकेट करते जाइए ओके। इससे आपकी मेंटेनेंस वर्क में इजी होगी, ओवरहॉलिंग में के बाद आप जब असेंबली करोगे तो आपको इजीली आप असेंबल कर पाओगे ओके। ये सारी चीजें समझ गए ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है ओके, इसके बाद आप यहां पर
जो स्टफिंग बॉक्स है ओके मेरी मेन एम क्या है, मेरी मेन एम है कि हमारी मैकेनिकल सील्स को हम प्लेस्ड करने हैं शाफ्ट पे, यही हमारी मेन एम है। अब हम क्या करेंगे, जो यहां पर जो स्टफिंग बॉक्स होती है ओके, स्टफिंग बॉक्स में भी हमारी स्टफिंग बॉक्स नट होती है ओके, यहां पर भी हमारी कुछ नट अलाइनमेंट होती है ओके, यहां पर भी हमारी नट अलाइनमेंट होती है, तो उसे अब हम क्या करेंगे, लूज करेंगे और हमारे हमारी स्टफिंग बॉक्स को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे ओके, रिमूव करेंगे। उससे पहले ओके, उससे पहले अगर आपको केसिंग्स रिमूव करनी होती है ओके, तो केसिंग्स नट केसिंग्स बोल्ट होती है जो अटैच्ड होती है वो आप रिमूव करोगे, एंड उसके बाद ओवरहेड क्रेन होती है, विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड क्रेन आप इजीली ओके मींस इजीली आप क्या कर सकते हैं, केसिंग्स को विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड क्रेन आप सेफ पोजीशंस पे रख सकते हो। उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना है, स्टफिंग बॉक्स नट जो है आपको लूज करना है एंड स्टफिंग बॉक्स रिमूव करनी है ना। अब आप देखो, खुद आप देखो, सक्शन फ्लैंज रिमूव कर चुका हूं मैं, इम्पेलर रिमूव हो चुकी है, केसिंग्स रिमूव हो चुकी है ओके, लोक नट्स रिमूव हो चुकी है, स्टफिंग बॉक्स नट्स रिमूव हो चुकी है, वॉशर और स्पेसर रिमूव हो चुकी है। अब हमारे पास ये क्या है, शाफ्ट है, एंड शाफ्ट में हमें क्या करनी है, सपोज ये हमारी अब क्या बची है, हमारे पास शाफ्ट बची है। अब शाफ्ट में हमें क्या इंस्टॉल करनी है, दैट इज मैकेनिकल सील ओके। शाफ्ट में क्या इंस्टॉल करनी है, मैकेनिकल सील। अब हमारी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी है, रोटरी सील जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे ओके। तो ये जो शाफ्ट है ओके, तो हमारी शाफ्ट पे हम शाफ्ट के ऊपर हमारी जो होगी रोटरी सील, हम इसे वहां पर लोकेट करेंगे ओके। तो नो ये हमारी क्या कैसे जाता है मैं वो आपको बता रहा हूं ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी क्या होती है, ग्रब स्क्रू यहां पर प्रोवाइड होती है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारी ग्रब स्क्रू होती है ओके। तो जो हमारी ग्रब स्क्रू है उसकी वर्क क्या होती है, मींस उसकी काम क्या होती है, ग्रब स्क्रू की एक सिंपल काम ये होती है, इसकी वर्क ये होती है, ये ग्रब स्क्रू जो है रोटरी सील को है ना शाफ्ट शाफ्ट में अटैच करके रखता है, यही हमारी ग्रब स्क्रू की काम होती है ओके। ये क्या करता है, रोटरी सील को शाफ्ट में अटैच करके रखता है, ये हमारी क्या होती है, ग्रब स्क्रू ओके। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी स्प्रिंग तो होगी ही होगी, आपको पता है ये स्प्रिंग होती है ओके, यहां पर हमारी ये हमारी स्प्रिंग हो गई ओके, एंड अगेन ओके यहां पर हमारी क्या होती है, ओरिंग होती है ना ओके। एंड अब हमें क्या करना है, अब अगेन यहां पर हमारी फेस होती है, मैं आपको बताया था ओके, ये हमारी फेस होती है ना। अब आप लोगों ने जैसे ही इंस्टॉल किया, आपको क्या करना है, वर्नियर कैलिपर से हमें क्या करना है, स्प्रिंग की लेंथ मेजर करनी है ओके। ये हमारी वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग की लेंथ मेजर करेंगे फर्स्ट। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, ग्रब स्क्रू क्या करेंगे, टाइट करेंगे, इससे हमारी क्या होगी, स्प्रिंग को टेंशन प्रोवाइड हो रही है, इससे हमारी क्या हो रही है, स्प्रिंग को टेंशन प्रोवाइड हो रही है ओके। अगेन आफ्टर टाइटनिंग मींस आफ्टर टाइटनिंग ग्रब स्क्रू को टाइट करने के बाद अगेन हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे, एंड यू ऑब्जर्व 2 से 3 mm आपको रिड्यूस्ड लेंथ आपको आप प्रैक्टिकली आप ये चीज आपको मिलेगी ओके। क्या आप लोगों ने किया, सबसे पहले हम लोगों ने इंस्टॉल किया, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे ग्रब स्क्रू को ग्रब स्क्रू टाइट किया, उसके बाद हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर लिया, वर्नियर कैलिपर से L1 मैंने मेजर किया L1। आफ्टर दैट अगेन हम लोगों ने क्या किया, ग्रब स्क्रू को फुल्ली टाइट किया, एंड अगेन हम लोगों ने L2 मेजर किया, जो L2 जो होगी L1-2 to 3 mm होनी चाहिए ओके, तभी हमारी बेस्ट होगी ओके। ओवर टाइटनिंग अगर आप करोगे तो हमारी प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपको बताता हूँ, याद रखना एक कॉन्सेप्ट, ओवर टाइटनिंग में हमारी प्रॉब्लम होगी, मैं आपको आगे बताता हूँ। सारी चीजें होगी, ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है ना। अब हमें क्या करना है, स्टेशनरी सील हमें इंस्टॉल करनी है ना। अब हम बात करेंगे दैट इज स्टेशनरी सील। स्टेशनरी सील क्या है, जो भी हमारी स्टफिंग बॉक्स हमारी बाहर रिमूव है, तो सबसे पहले हम क्या इंस्टॉल करेंगे, दैट इज स्टेशनरी सील। फिर आफ्टर दैट हम स्टफिंग बॉक्स को मींस असेंबल करेंगे, एंड उसकी जो केसिंग वगैरह जब असेंबल हो जाएगी तो उसकी जो जो नट है, स्टफिंग बॉक्स लोक नट है, उसे हम टाइट करेंगे ओके। फिर हम रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे, एंड हम सारी चीजें असेंबल कर देंगे, एंड ये हमारी मैकेनिकल सील हमारी इंस्टॉल हो गई ओके। तो ऐसे हमारी मैकेनिकल सील इंस्टॉल होती है ना। अब हम बात करेंगे
जो हमारी मैकेनिकल सेल्स है हमारी डैमेज कैसे हो सकती है, किन किन कारणों से हमारी मैकेनिकल सेल डैमेज हो सकती है, उन प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे। ओके सो पंप, ओके पंप हमारी जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है और एनी अदर पंप, ओके पंप छोड़ो, ओके मैं बात करता हूं कोई भी मशीनरी, ओके कोई भी मशीनरी, और ईच मशीनरी में हमें क्या जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ओके मेंटेनेंस की हमें जरूरत होती है, तो जितनी हमारी मशीनरीज होती है ओके वहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ह्यूमन एरर। ओके मैं किसी भी अगर मशीनरी की बात करता हूं और अगर कोई मुझसे किसी भी मशीनरी की ट्रबल शूटिंग या माल फंक्शनिंग के बारे में पूछता हूं तो सबसे पहले मैं ह्यूमन एरर पे आता हूं, देन मैं टेक्निकल मींस कंपोनेंट्स पर मैं जाता हूं। तो मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मींस सपोज आपकी कोई भी मशीनरी है, सपोज पंप है, हम पंप के बारे में पढ़ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो वहां पर हमारी क्या होती है, वहां पर हमारी मैनुअल्स प्रोवाइड होती है। ओके सिप्स पे हमारी एसओपी प्रोवाइड होती है, एसओपी मींस स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, ओके स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, वहां पर उस मैनुअल में हमारी हैंडआउट या मैनुअल बोल सकते हो, वहां पर हमारी इंस्ट्रक्शंस दी होती है फॉर स्पेसिफिक पंप ए। ओके उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मींस एक इंटरवल में आपकी आपको वो पंप ओवरऑल करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स होगी तभी हमें ओवरऑल करनी है, नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमारी क्या होती है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हमें क्या करनी है, पंप्स ओवरऑल करनी है, उसकी मैकेनिकल सील्स चेक करनी है, सीलिंग्स चेक करनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें चेक करनी होती है, हमें भी सीलिंग हमारी रिन्यू करनी होती है मैकेनिकल सील्स। ओके एंड ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट पंप्स की अलग अलग हमारी रनिंग आवर्स पे होती है। ओके कुछ पंप्स की हमारी 40,000 रनिंग आवर्स के बाद हमारी प्रिवेंटिव मेजर इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल सीलिंग, मैकेनिकल सील्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके मैकेनिकल सील्स रिन्यू की जाती है, कुछ पंप्स की हमारी 20,000 रनिंग आवर्स के बाद मैकेनिकल सील्स रिन्यू की जाती है। अगर ह्यूमन एरर मींस मैंने यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर हम वो चीजें को इग्नोर करते हैं, सपोज आपकी पंप्स की रनिंग आवर्स, ओके रनिंग आवर सपोज 25,000 आवर रनिंग आवर कंप्लीट हो चुकी है, एंड एज पर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसीजर्स वहां पर हमारी मैनुअल्स जो है, वहां पर हमारी इंस्ट्रक्शंस बुक्स जो है वहां पर आपको दी गई होगी, जो ऑपरेट कर रहे स्पेसिफिक पंप उसकी जो हमारी रनिंग आवर्स है आफ्टर 20,000 या 25,000 के बाद आपको मैकेनिकल सील्स रिन्यू करने, फिर भी आप लोगों ने इग्नोरेंस किया, दैट इज ओनली कॉल्ड ह्यूमन एरर। तो वहां पर हमारी मैकेनिकल सील्स डैमेज होने की चांसेस होती है, क्यों होती है चांसेस, फर्स्ट थिंग। ओके फर्स्ट थिंग, अब हमारी क्या है, एक स्पेसिफिक रनिंग आवर्स के बाद ओके हमारी क्या हो सकती है, इस कोरोजन होने की चांसेस हो सकती है, स्केलिंग फॉर्मेशन हो सकती है, मार्क माय वर्ड स्केलिंग फॉर्मेशन। अब हमारी स्केलिंग फॉर्मेशन सपोज अगर मैकेनिकल सील में हमारी स्केलिंग फॉर्मेशन होती है तो स्केलिंग फॉर्मेशन से हमारी क्या प्रॉब्लम होगी, यस क्या प्रॉब्लम होगी हमारी स्केलिंग फॉर्मेशन से, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हमारी डिक्रीज हो जाएगी, हमारी हीट ट्रांसफर टेंड्स टू जीरो, मींस हमारी इंसुलेशन की तरह एक्ट करेगी। सपोज अब हमारी मैकेनिकल सील्स में हमारी कूलिंग होती है, सच एज डीमिनरलाइज्ड वाटर से कूल करते हैं ताकि कोरोजन ना हो, ऑयल से हम कूल करते हैं, ऑयल कूल्ड होती है। ओके तो यहां पर अगर हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कूलिंग एक्चुअली क्या, हीट ट्रांसफर। ओके हमारी क्या, वो हीट हमारी क्या कर रही है, गेन कर रही है मैकेनिकल सील्स से, और मैकेनिकल सील्स हमारी कूल हो रही है। बट अगर हमारी मैकेनिकल सील्स में स्केलिंग हो गई है, ओके फॉर्मेशन ऑफ स्केल हो चुकी है मैकेनिकल सील्स में, तो हमारी क्या हो, डिटोरिएट हो जाएगी, हीट ट्रांसफर डिटोरिएट हो जाएगी, जिससे हमारी क्या होगी, मैकेनिकल सील्स हमारी ओवरहीट होगी, जिससे हमारी मैकेनिकल सील डैमेज हो सकती है। ओके फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं मोटर ट्रिप होगी, ओके मोटर ट्रिप होगी, मोटर ट्रिप होने से हमारी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मोटर ट्रिप होगी हमारी शाफ्ट में ट्विस्टिंग मोशन ट्विस्टिंग आ सकती है, या बोल सकते हैं शाफ्ट बेंड हो सकती है, जिससे हमारी इंपेलर पे हमारी लार्ज इंपैक्ट होगी। ओके जिससे हमारी पूरी पंप जो हो सकती है ओवरहीट हो सकती है, अगेन हमारी मैकेनिकल सील्स भी है हमारी पंप की कंपोनेंट, अगेन हमारी मैकेनिकल सील्स ओवरहीट होगी, एंड अगेन हमारी यहां पर भी मैकेनिकल सील डैमेज हो चुकी है। ओके नाउ थर्ड थिंग हमारी क्या है, मैंने आपको बोला था यहां पर ओके वर्नियर कैलिपर वाला जो मैंने बात बताया था आपको क्या करना है, जब आप रोटरी सील जो जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वर्नियर कैलिपर से मेजर करना है, फिर यहां पर हमें प्रेशर अप्लाइड करना है विद हेल्प ऑफ फ्लांज वगैरह भी होती है, जिससे हमारी ये स्प्रिंग की प्रेशर बनी हुई होती है। ओके सपोज अगर हम लोगों ने रिक्वायर
डिजायर्ड प्रेशर स्प्रिंग प्रेशर से हम लोगों ने ज्यादा प्रेशर यहाँ पर हम लोगों ने फीड किया, यहाँ पर हम लोग ज्यादा प्रेशर हम लोगों ने अगर दिया तो हमारी क्या प्रॉब्लम होगी, ये जो फेस है क्योंकि अगर मैं इसे प्रेशराइज करूंगा ओके तो स्प्रिंग की लेंथ कम होगी ओके, और ये जो पार्ट है ओके ये पार्ट जो हमारी रोटरी फेस जो है स्टेशनरी फेस जो है बहुत ही क्लोज टाइट हो सकती है ओके, वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा जिससे दोनों बहुत ही टाइट हो सकते हैं ओके तो इससे हमारी क्या होगी, जो शाफ्ट अगर रोटेट होगी तो शाफ्ट हमारी फ्रीली रोटेट नहीं होगी, अगर हमारी शाफ्ट फ्रीली रोटेट नहीं होगी तो हमारी इंपेलर हमारी फ्री रोटेट होगी नहीं, तो अगेन हमारी ओवर हीटिंग होगी, फिर जो भी हमारी कूलिंग प्रोवाइड करे वो सफिशियंट है ही नहीं, तो अगेन हमारी ओवर हीटिंग होगी, अगेन हमारी मैकेनिकल सिस्टम डैमेज हो सकती है। तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वहां पर भी आपको बहुत केयर करना है ओके, जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो वहां पर भी आपको सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसकी डिजायर स्प्रिंग प्रेशर कितनी रखनी है ओके, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ओके। ये जो मैंने आपको बताया ये पॉसिबल डैमेज है, एंड अदर हो सकती है, सपोज अगर आप ड्राई रन ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप ओके, अगर सपोज आपकी पंप कैविटेटिंग पंप है एंड फिर भी आप पंप को रन कर रहे हो ओके, तो इससे भी हमारी सील डैमेज हो सकती है ओके। तो ये हमारी प्रोबेबल काउजेस है, एंड अदर काउजेस में भी मिसअलाइनमेंट ऑफ पंप से भी हमारी मैकेनिकल सील डैमेज हो सकती है, वाइब्रेशन से भी हमारी मैकेनिकल सील डैमेज हो सकती है, तो ये सारी पैरामीटर्स आपको केयर करनी होगी ओके। तो ये आज की हमारी टॉपिक थी ओके, एंड मैकेनिकल सील हमारी बेस्ट होती है, इससे हमारी पंप की इफिशियंसी इंक्रीज होती है एंड हमारी कोई ज्यादा स्पेस लेती नहीं है ओके, स्पेस भी हमारी कम लेती है, मीन्स अगर हम कंपेयर करें पैकिंग सील्स के कंपेयर में तो सेम हमारी स्पेस होती है लेकिन हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है, ऑलरेडी मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया ओके। तो ये आज की हमारी लेक्चर्स थी मैकेनिकल सील, अगर आपको इस लेक्चर्स में कुछ भी कहीं भी कुछ डाउट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ओके, एंड मरीन इंक्यूटर आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।